Hello students, today my video is for the students, those who are appearing for NEET 2020. ये video उन students के लिए है जो NEET 2020 में appear हो रहे हैं, either after plus two, directly after the plus two, मतलब उन्होंने अभी exams दी हैं या फिर वो drop करके अभी exam देंगे, and also जो अभी ये plan out कर रहे हैं कि हमें drop करके 2021 NEET में appear होना है, उन सब के लिए important है. आज हम discuss करेंगे exam strategy कि हमें किस तरह से NEET के लिए पढ़ना है. First of all, NEET का exam कब होगा? तो जिस तरह से हमारा डाटा है उसके अकॉर्डिंग अभी लॉकडाउन है, और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सबसे पहले क्या होंगे? बोर्ड एग्ज़ाम्स. जो पेंडिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स, वो कंप्लीट होंगे. उसके बाद ही नीट कंडक्ट हो सकता है, उससे पहले नीट कंडक्ट नहीं होगा. मोस्ट प्रोबेबली ये नीट का एग्ज़ाम कब जाएगा? फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई. बट फॉर अस, हम मान के चलते हैं कि ये लास्ट वीक ऑफ द जून में होगा. सपोज़ हम ये ले लेते हैं कि लास्ट वीक ऑफ जून. अगर ये लास्ट वीक ऑफ जून में हो रहा है तो हाउ मेनी डेज वी हैव? अप्रॉक्स 60 डेज फ्रॉम टुडे. वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज, मींस 2 मंथ्स. तो इन 2 मंथ्स में अगर हम प्रिपेयर करें तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. लेवल ऑफ पेपर की बात करते हैं. अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो एज यूजुअल मॉडरेट लेवल रहने वाला है. मॉडरेट मीन्स ना ही पेपर ज़्यादा इजी होगा और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा. इट इज़ मॉडरेट लेवल ऑफ. बट अगर हम कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन ड्यूरिंग इन दिस एग्ज़ाम, तो वो टफ होने वाला है. क्यों टफ होने वाला है? बिकॉज जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से प्रिपेयर करें, जिन्होंने ड्रॉप करके प्रिपेयर किया है, वो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिला रिवाइज करने का. और जिन स्टूडेंट्स को अभी पढ़ना है, स्टार्ट करना है, जिन्होंने प्लस टू बोर्ड एग्ज़ाम में अपियर होने के बाद अब नीट के लिए सोचना शुरू किया है, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अब नीट की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, एंड हाउ टू रिवाइज और स्टडी इन 60 डेज. हमें कट ऑफ कितनी जाने वाली है? अप्रॉक्सीमेटली हमें कितने मार्क्स चाहिए? मिनिमम टारगेट मार्क्स इज 600. एटलीस्ट 600 तो चाहिए सिलेक्शन के लिए. अगर 600 से कम आ रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा. तो 600 अगर हमें अपीयर करने, मार्क्स लेने हैं, तो हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 150 क्वेश्चंस. करने का मतलब है कि हमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है. इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, हमें जैसे पता है कि नीट के एग्ज़ाम में 180 क्वेश्चंस ऑफ बायो, जिसमें 45 क्वेश्चंस हमारे बायो के रहते हैं, 45 आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस बायो एंड 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री क्वेश्चंस होंगे. और ये जो बायो का पोर्शन है इसमें भी 45 बॉटनी एंड 45 जोलॉजी. सो क्योंकि हम क्लास 12th में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बॉटनी जोलॉजी को सेपरेट करके नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम इसको अभी फोकस करेंगे कि हमें 90 क्वेश्चंस बायो के अटेम्प्ट करने. सो अब अगर हमारा टारगेट है 150 क्वेश्चंस का, तो उसको हम कैसे डिवाइड करें? मैं इस तरह से डिवाइड कर रही हूँ कि हम लोग 90 बायो के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, बायो को थॉरली कर लें, एंड फॉर केमिस्ट्री 30 क्वेश्चंस, एंड देन फिजिक्स 30 क्वेश्चन. अब ये वेरी कर सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट. मोस्टली स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स डिफिकल्ट लग रही है, केमिस्ट्री इजी लग रही है, तो आप यहाँ 40 का टारगेट ले लो और यहाँ उसी तरह से 20 का कर दो. और अगर आपको लगता है कि आप 90 आउट ऑफ 90 बायो नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट 85 तो करना पड़ेगा. 85 क्वेश्चंस यहाँ कर रहे हो तो आप 5 क्वेश्चंस इधर इंक्रीज कर लो. तो दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी, आपको कैसे अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड करना है. मैंने एक जनरल क्राइटेरिया लिया कि हम 90 बायो के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, 30 केमिस्ट्री एंड 30 फिजिक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. और स्टडी कैसे करनी है अगर हम ये स्ट्रैटेजी अगर आप ये स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि मैं पहले बायो कंप्लीट कर लूँ या फिर फिजिक्स कंप्लीट करके फिर केमिस्ट्री पे आऊँ, तो वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है. आपको तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है. तो आई सपोज कि आप अगर नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो 12 आवर्स अ डे पढ़ सकते हो, ठीक है? अगर आप 12 आवर्स अ डे पढ़ रहे हो, जिसमें से हम 24 आवर्स में से 8 आवर्स आपका स्लीपिंग टाइम
एक्सक्लूड कर देते हैं एंड देन 4 आवर्स फॉर योर डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो उसके बाद 12 आवर्स हमें पढ़ना है। तो क्योंकि हमें 90 क्वेश्चंस बायो के अटेम्प्ट करने हैं तो हम 6 आवर्स अ डे बायो को देंगे, देन 3 आवर्स फॉर द केमिस्ट्री एंड 3 आवर्स फॉर द फिज़िक्स। इस तरह से डिवाइड करके हम ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने मॉर्निंग में फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, नाइट लेट नाइट बायो पढ़नी, दैट इज़ अप टू यू। आप जैसे कंफर्टेबल हो उस तरह से पढ़ना स्टार्ट करो। अब बात आ जाती है सिलेबस, क्या पढ़े और क्या छोड़ दें, किस तरह का सिलेबस हमें पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर्स हमें छोड़ने चाहिए। तो हमारी अभी तक की स्ट्रेटजी क्या है कि हमें 60 डेज की स्टडी करनी है। उन 60 डेज को भी हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कि 50 डेज वी विल लर्न द थिंग्स और रिवाइज द थिंग्स स्टडी एंड लास्ट 10 डेज वी विल रिवाइज और गिव टेस्ट। वी विल टेस्ट आर सेल्फ, हम अपने आप को टेस्ट करेंगे कि हमने कितना पढ़ा और जो हमने पढ़ा क्या हमें लर्न भी है, रिकॉल करेंगे उस टाइम पे। सो अब स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए पढ़ने की, किस तरह से पढ़ना है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। सो लेट्स सी, अगर हम बायो की बात करते हैं, बायोलॉजी, तो हमें फुल सिलेबस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमने अपनी स्ट्रेटजी में क्या किया है कि हमें बायो के 90 में से 90 क्वेश्चंस और एटलीस्ट 85 क्वेश्चंस को करना है, ठीक, तभी हम स्कोर कर सकते हैं 600, तभी हमारा टारगेट अचीव होगा, अदरवाइज टारगेट अचीव नहीं होगा। तो फुल सिलेबस हमें बायो का पढ़ना है और इसको हम थॉरली पढ़ेंगे। एंड देन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हमारे 3 पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, किसी को इनऑर्गेनिक पसंद है, किसी को ऑर्गेनिक पसंद है, किसी को फिजिकल पसंद है। मैं आपको बता रही हूँ कि एज एन एवरेज 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45, 15 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट रहने वाले हैं। तो हमारा टारगेट 30 है, तो हम कोई 2 पार्ट कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक वाला पार्ट ईजी रहता है, रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ो। ऑर्गेनिक अगर आप समझ सकते हो, आपको ईजी लग रही है, तो इससे क्वेश्चन बहुत ईजीली अटेम्प्ट होता है अगर आपको एक बार ऑर्गेनिक समझ आ जाए। सो आई प्रेफर कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े। सो यहाँ से हमारा 30 का पार्ट हो रहा है। इसके बाद फिजिकल में भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आप इजीली अगर कर सकते हो तो कर लो। एक क्राइटेरिया बहुत रहता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हमें प्लस टू आती है क्योंकि बोर्ड क्लास थी तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, और प्लस वन नहीं आती है। तो हम उसी स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर सकते हैं कि प्लस टू के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लें, एमसीक्यूज उनकी प्रैक्टिस कर लें, तो भी हमारा 30 पर मार्क्स आ जाएंगे। एंड कुछ पोर्शन जो ईजी वाला पोर्शन है प्लस वन का, वो अटैम्प्ट कर लें। सेम इज़ फॉर द फिज़िक्स। अगर हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम रहती है मैकेनिक्स। अगर आपको मैकेनिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, पहले कभी नहीं समझ आई है, तो अब इतने डेयरिंग मत बनिए कि उसको दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश किए। और अगर आप इस टाइम पे, प्रीशियस टाइम पे, जो चीज़ आपको पहले अच्छी नहीं लगी उसको करेंगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर कि आप प्लस टू फुल रिवाइज करें। मोस्ट प्रोबेबली 22 to 23 क्वेश्चंस आपके प्लस टू से निकल आएंगे और 23 क्वेश्चंस प्लस टू से कवर हो जाएंगे हमारे नीट के लिए। उसके बाद फिर हमें कितना क्वेश्चन चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस की बात रहेगी। तो हम कुछ सिलेक्टेड पोर्शन कर लेते हैं। अगर आपको मैकेनिक्स अच्छी लगती है तो आप मैकेनिक्स करें, बट मोस्टली बायोलॉजी स्टूडेंट्स को मैकेनिक्स वाला पोर्शन क्लियर नहीं होता है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है, स्पेशली इन रोटेशनल मोशन। तो उस पोर्शन को छोड़ के अगर हम यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स, ये थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो और फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो। एंड देन फ्लूड्स, SHM, वेव्स, ये सब चैप्टर्स हैं जिनको आप रिवाइज करोगे तो ईजिली कर सकते हो। सो इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी, ज़रूरी नहीं आपको यही चैप्टर्स फॉलो करने। अगर आपको जो कोई और ईजी चैप्टर लगता है, आपको लगता है कि वो मेरा चैप्टर स्ट्रांग है, मैं उसको जल्दी से रिवाइज कर सकती हूँ, तो आप
वो स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए. सो हमें मेन फोकस करना है बायोलॉजी पे, कि हमें बायोलॉजी फुल सिलेबस पढ़ना है 60 डेज में, कैसे पॉसिबल होगा? तो गो फॉर NCERT ओनली. हमेशा जो नीट का एग्ज़ाम है वो टोटली फ्रॉम द NCERT होता है. गो फॉर द थोरो NCERT रीडिंग. सो अब हम बताएंगे कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या स्टेप्स आपके होने चाहिए पढ़ाई करने के लिए. स्टेप्स, फर्स्ट गो थ्रू कंटेंट. आप क्या पढ़ने वाले हो, उसमें क्या है, इस कंटेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, क्लासरूम टीचिंग. हम क्लास अटेंड करें, अपने टीचर से समझें. बट प्रॉब्लम इज लॉकडाउन. अगर अब लॉकडाउन है, आप अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो गो फॉर वीडियो लेक्चर्स. और आपको जिस टॉपिक पे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको लेक्चर्स चाहिए, जस्ट कमेंट इन द टॉपिक इन द कमेंट बॉक्स. वी विल गेट रेडी विद द दैट वीडियो लेक्चर फॉर यू. हम आपके लिए वो लेक्चर प्रिपेयर करके एज सून एज पॉसिबल अपलोड करेंगे. आप वो वीडियो लेक्चर्स देखें. वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद रीड NCERT. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हो, आप NCERT को पढ़ो. NCERT इज अ बेस फॉर क्रैकिंग द नीट. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है, तो आपको NCERT फॉलो करनी पड़ेगी. देन एटलीस्ट प्रैक्टिस एटलीस्ट 100 MCQs ऑफ ईच चैप्टर. आपको उस तरह से 100 MCQs करने हैं. जब आप MCQs करोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको डाउट आएंगे. जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट आए, मींस दैट टॉपिक इज नॉट क्लियर टू यू, या फिर वो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, उसके क्या बना लो, की पॉइंट्स. वो की पॉइंट्स आपके जो ये 10 डेज रिवीजन है, वहाँ पे काम आएंगे. आप इजीली रिवाइज कर सकते हो, अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, और इस तरह से आप 60 डेज में इजीली नीट क्रैक कर सकते हो. बस करना क्या है, एक स्ट्रैटेजी, टेक योर पेन एंड पेपर, ड्रॉ योर ओन स्ट्रैटेजी कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, और किस टाइम पे पढ़ना है. एंड देन 12 आवर स्टडी अ डे विद दैट स्ट्रैटेजी. फॉलो दैट स्ट्रैटेजी, यू विल डेफिनेटली क्रैक द नीट. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, जस्ट कमेंट, वी विल सॉल्व योर क्वेरीज. थैंक यू.